नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्फ्रेड बिने के जीवन परिचय के बारे में। आज का जो वीडियो है यह है सर्वप्रथम या सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था इससे संबंधित है, अर्थात सबसे पहले बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने किया था। आज हम देखेंगे बायोग्राफी अल्फ्रेड बिने जी की, बायोग्राफी ऑफ अल्फ्रेड बिने या अल्फ्रेड बिनेट की जीवनी। तो देखें, आज हम अल्फ्रेड बिने से संबंधित उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जाते हैं, जिनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो पॉइंट उन पर बात करेंगे। तो सबसे अधिक क्वेश्चन निकल कर आता है कि अल्फ्रेड बिने जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अल्फ्रेड बिने जी का जन्म 8 जुलाई 1857 में हुआ था। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, अधिकांश क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अल्फ्रेड बिने जी का जन्म 8 जुलाई 1857 में हुआ था। अब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो अल्फ्रेड बिने जी की जो मृत्यु हुई थी वह 18 अक्टूबर 1911 में हुई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको इंगित कर रहा हूं। जन्म स्थान यह है फ्रांस है। पेपर में आता है कि अल्फ्रेड बिने जी का संबंध कहां से है, तो यह फ्रांस के है। ये तीनों पॉइंट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आपसे अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, कुछ भी कर ले, कल माइंड में नहीं याद रखें। इसके अलावा इनका कार्य क्षेत्र मनोविज्ञान है, राष्ट्रीयता फ्रांसीसी है। अब बात करते हैं इसी की कुछ विशेष बिंदुओं की। यह एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थी जिन्होंने पहले प्रयोगात्मक या IQ, इस बात को नोट जरूर रखें, टेस्ट की खोज की थी। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया था, जिसे बिने साइमन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह सन 1904 में इन्होंने किया था। फ्रांसीसी शिक्षा मंत्री ने मनोविज्ञानी अल्फ्रेड बिने से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने को कहा जिससे यह पता चल सके कौन सा छात्र सही से कक्षा का पाठ याद नहीं कर पा रहा, जिससे उन्हें आवश्यक सहायता दी जा सके। पेपर में यहां से पॉइंट निकल सकता है कि इन्होंने जो बुद्धि परीक्षण प्रणाली तैयार की थी किसके कहने पर की थी, तो यह शिक्षा मंत्री जी के कहने पर की थी। इस लाइन को आप हाइट लाइन जरूर कर लें क्योंकि अब आपके जो प्रश्न निकल रहे हैं ये बिल्कुल मुख्य बिंदु पर केंद्रित निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जन्म बुद्धि परीक्षण अधिकांश सभी तैयार कर लेते हैं, तो ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण रहते हैं छोड़ देती है। इसके बाद जिससे उन्हें आवश्यक सहायता दी जा सके, उन्होंने थियोडर साइमन के साथ मिलकर अपने टेस्ट के दो संस्करण 1908 और 1911 में प्रकाशित किए। पेपर में निकल कर आता है कई बार कि बिने जी का पूरा नाम क्या है, बुद्धि परीक्षण करने वाले बिने का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम आप याद रखिए अल्फ्रेड बिने, इसमें टी साइलेंट है। बिने ने बुद्धि परीक्षण किसके साथ किया था, तो उसमें लिखा है साइमन, तीन चार साइमन के नाम दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही नाम याद रखना है थियोडर साइमन। सही नाम क्या है इनका, थियोडर साइमन। बिने साइमन ने बुद्धि परीक्षण में जो दोनों ने मिलकर किया था, तो अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन। इसके दो संस्करण दिए थे, पहला संस्करण था 1908 और दूसरा 1911 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें से अंतिम उनकी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले ही प्रकाशन हुआ था। अब सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से कहा जाए तो 5 स्टार रखने वाला, सर्वप्रथम या सबसे पहले बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने किया। प्रश्न निकल कर आता है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया, सबसे पहले सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।